थ्योरी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज टाइप करिए लॉज ऑफ मोशन बाय सर तरुण रूपानी। कहां टाइप करेंगे? अरे गूगल कर लो, गूगल में टाइप कर लो, यूट्यूब के सर्च में टाइप कर लो, आपको इस पर बने लेसन वीडियो मिल जाएंगे। बट आज बारी है इस पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की। पूरे न्यूमेरिकल्स जो आपके सिलेबस में है, आपके दिए बुक्स में है, हम हर टाइप के न्यूमेरिकल्स कराएंगे फ्रॉम सिंपल टू द हार्डेस्ट। सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो लॉज ऑफ मोशन न्यूटन का जो लॉज है उस पर है। पहला लॉ जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या कहा गया है? इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन इट कंटिन्यूज टू बी इन मोशन या टू बी इन मूविंग unless and until an external force is applied to it. तो इस law पर numericals नहीं है। अब second law जो कि very important law है, second law में force को quantify किया गया है। पहले में तो सिर्फ qualify किया गया था, अब second law को थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसमें कहा गया है, according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to force. That is, change in momentum is in the direction of the force. अब आप कहेंगे सर ये तो डेफिनेशन हो गई, इसका न्यूमेरिकल से क्या रिलेशन है? आइए समझते हैं। पहले समझते हैं ये मोमेंटम शब्द क्या है। तो मोमेंटम का सिंबल है पी और डेफिनेशन है लीनियर मोमेंटम की, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये रहा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये हो गया आपका मोमेंटम। अब टर्म आ रहा है न्यूटन सेकंड लॉ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में चेंज होना और रेट बोले तो अपॉन टाइम करना। तो इसके लिए दो मोमेंटम निकलेगा। पहला निकलेगा इनिशियल मोमेंटम। सर इनिशियल क्या होता है? अरे भाई स्टार्टिंग में जो मोमेंटम है, तो इनिशियल मोमेंटम इसके लिए चाहिए इनिशियल स्पीड, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा एम यू, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम भी होगा तभी ना चेंज निकलेगा। तो फाइनल मोमेंटम के लिए मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के लिए वी। अब चेंज इन मोमेंटम क्या चीज वर्ड है? चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम के चेंज का फॉर्मूला क्या है? फाइनल मोमेंटम दैट इज एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज एम यू। या और सिंपल कर दे तो एम कॉमन कर दे, दोनों में एम मास कॉमन है। ध्यान रखिएगा मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है? इसीलिए एम कॉन्स्टेंट रहेगा। तो फॉर्मुला बन जाएगा वी माइनस यू, एम ब्रैकेट में वी माइनस यू। ये क्या आया? चेंज इन मोमेंटम आया, पर अभी बात नहीं आई, अभी आया रेट ऑफ चेंज। जैसे रेट बोल देता है ना तो डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं, ठीक है? सो अब टॉपिक, अब क्या वर्ड है? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा, जो आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला, आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला एम ब्रैकेट में वी माइनस यू होल अपॉन टी, यही है फोर्स के बराबर। यही डेफिनेशन भी है और यही मैंने आपको बार बार बोला, यही मैंने डेफिनेशन भी यूज की। सर फोर्स के बराबर? हाँ अभी दिखाता हूं, फोर्स के बराबर है। आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आता है वी माइनस यू अपॉन टी, ये है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, मोमेंटम नहीं, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये है एक्सीलरेशन। देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम बन रहा है, इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं एम ए, और एम ए क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। सो दिस इज इक्वल टू फोर्स, हेंस प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया आपको? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, एंड चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब जिस दिशा में हम फोर्स लगाएंगे बॉडी का चेंज उसी दिशा में होगा। ये तो हो गया, आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने। इस चैप्टर में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इवन जो आपने डिस्टेंस का या इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला पढ़ा था उनकी भी जरूरत पड़ेगी। क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था? आपने पढ़ा था v is equal to, आपने फॉर्मुला पढ़ा था v is equal to u plus at, इसकी भी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। और फॉर्मुला पढ़ा था डिस्टेंस का s is equal to ut plus half at square, और तीसरा v square is equal to u square plus 2as। इन तीन डिस्टेंस या इक्वेशंस की भी जरूरत पड़ेगी आपको, इस फॉर्मुले से ये चैप्टर सॉल्व होने वाला है। अब आपको ले चल रहा हूं न्यूमेरिकल कराने, और आपसे कहूंगा मेरे राइजिंग स्टार्स कि सिर्फ देखना नहीं है, फिजिक्स को अगर कंट्रोल करना है तो साथ में मेरे लगाना है। और अगर आपको लगता है, हाँ अगर तुमको लगता है कि मुझे तो आता है सर, तो चलो आओ टेस्ट कर लेते हैं तुम्हारा, ठीक है? आप लगाइए मेरे साथ, देखिए कि आप पहले कर लेते हैं कि मैं कर लेता हूं, और अगर आप पहले कर लेते हैं तो वेरीफाई कर लीजिए अपने आंसर को। चलिए स्टार्ट करता हूं, एक एक न्यूमेरिकल फ्रॉम इजी टू द हार्डेस्ट, हर एक करूंगा आपके लिए। चलो पहला न्यूमेरिकल आ गया, अ बॉडी ऑफ मास, आपको मास गिवन है। आप हमेशा पहले क्या करिया करिए, जो डाटा दिया है पहले उसको ले लिया करिए। आपके जितने भी स्टेप सही होते हैं सब पे मार्क्स मिलता है, प्लीज
ट्राई टू राइट ऑल दी स्टेप्स. तो आपके पास मास दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, वेलोसिटी इज 2 meter per second. आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स लीनियर मोमेंटम. सो सिंबल है पी, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है एम बी. मास है आपके पास 5, वेलोसिटी है 2. सो 5 × 2 = 10. मास का एसआई यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड. तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये है आपका आंसर. तुम्हारा भी आ गया है. चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है. हाँ, आगे चेक करेंगे कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो देन अ बिग लाइक फ्रॉम माय साइड. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे. इस क्वेश्चन में देखिए आपसे कह रहा है द लीनियर मोमेंटम. तो आपको इस बार द लीनियर मोमेंटम इज, आपको मोमेंटम दे दिया. देखिए मैंने कैसे पढ़ा, द लीनियर मोमेंटम इज, सो लीनियर मोमेंटम इज 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये दे दिया. और मास जो है इस बार गड़बड़ दिया है. मास गड़बड़ क्या दिया हुआ है, आपको ग्राम में दिया है, जबकि मोमेंटम जो है वो किलोग्राम में. देखिए तो आप मास को किलोग्राम में पहले चेंज कर लीजिए. कैसे चेंज करेंगे, 1 kg = 1000 g, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे. सो 50/1000, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05 kg. सर ये डिवाइड क्यों करते हैं, ये पूछो. हाँ मैं बताता हूं क्यों डिवाइड करते हैं या डिवाइड क्यों कर रहे हैं 1000 से. देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1 kg = 1000 g, ये तो आप जानते हैं, पर इसमें डिवाइड कैसे पता चल रहा है, किसे डिवाइड कर रहे हैं. अच्छा ये जानते हैं कि किलोग्राम बड़ा होता है, बड़ा यूनिट किलोग्राम होता है और ग्राम छोटा होता है. तो क्या रूल है, देखिए अगर छोटे यूनिट को बड़ा बनाए, इसको हम कहते हैं SBD, याद रखेंगे. हाँ, अब ये नहीं भूल पाओगे, मैं पक्का कह सकता हूं. इस रूल को याद कर लो, आपसे मिस्टेक नहीं होगी. दैट इज स्मॉल यूनिट इफ हैज टू बी चेंज्ड, इफ हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू बिगर यूनिट, इट हैज टू बी डिवाइडेड. मेरे पास छोटा यूनिट क्या है, ग्राम, मुझे बनाना क्या है किलोग्राम. तो छोटे यूनिट को बड़ा बनाना है, क्या करना है, डिवाइड, SBD, याद रखोगे. अच्छा इसका उल्टा भी होता है. हाँ उल्टा भी होता है, कभी कभी क्या होता है, बिग यूनिट दिए होते हैं आपको, उसको स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है, आप करेंगे मल्टीप्लाई, हम इसे कहते हैं BSM. ये ट्रिक, ये टेक्निक कहीं कोई नहीं बताता है. हाँ मैं कह रहा हूं कोई नहीं बताता, ये मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की है. ठीक है मेरे राइजिंग स्टार्स, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप इसको याद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कब डिवाइड करना है और कब मल्टीप्लाई. क्लियर? ओ स्क्रीन गायब, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कर लेंगे. सो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि एसआई यूनिट है. आपको मास जो दिया हुआ था वो एसआई यूनिट में नहीं दिया था, आपने इसको एसआई यूनिट में चेंज कर दिया, डिवाइड बाय 1000 करके. ठीक है, डिवाइड बाय 1000 किया तो आपका मास आ गया 0.05 किलोग्राम. अब आपके पास मोमेंटम है, मास है, पूछा क्या है, वेलोसिटी है. फॉर्मूला लगाइए मोमेंटम का, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम के नीचे मोमेंटम और मास को कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई. कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि मास गिवन है तो मास क्रॉस हो जाएगा. आपके पास वेलोसिटी फाइंड करनी है, आपको वी फाइंड करना है, आपको आ जाएगा, निकालो ये आ गया 5 × 1 = 5, 10 × 10, सो 10 m/s, ये है आपकी वेलोसिटी. तो इसका मतलब है आप मोमेंटम की मदद से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और मास भी निकाल सकते हैं, कोई एक भी मिसिंग हो सकता है. क्लियर, आगे देखें, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये रहा. अब आपको फोर्स दे दिया है, क्या रहा है, फोर्स ऑफ 15 N. तो फोर्स इज गिवन, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट डाइन होता है. ठीक है, तो आपको न्यूटन दे दिया, ऐसा यूनिट दे दिया, मास दे दिया, मास दे दिया आपको 2 kg, मास भी है ऐसा यूनिट में. ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है, एक्सीलरेशन. तो आपको फोर्स का फॉर्मूला बताया, क्या फोर्स इज इक्वल टू मास, फोर्स कौन है, मां है, अरे नहीं, मास इनटू एक्सीलरेशन है, आपको बस याद कराने के लिए कर रहा हूं. ठीक है, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन. तो फोर्स निकालना नहीं है, फोर्स गिवन है, तो फोर्स के बदले फोर्स की वैल्यू पुट कर दो. फोर्स की वैल्यू है 15 N, m मास है 2 एंड एक्सीलरेशन मिसिंग है, क्रॉस कर दीजिए तो आ जाएगा 15/2 एंड दिस विल गिव यू 7.5. सो योर एक्सीलरेशन इज 7.5 m/s². ध्यान दीजिएगा, यूनिट आप पूरा लिखेंगे अभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे. ठीक है, यूनिट पूरा करना है. आगे बढ़ जाते हैं, रुकना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है. ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक से लिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड और आपके जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे होते हैं इसी में से आ रहे होते हैं, थोड़ा ध्यान से करिए इसीलिए. ठीक है, और वैसे भी आपको जब लगता है कि मेरे को आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, और अगर नहीं आ रहा है तो तैयारी करिए, मेरे साथ डट के तैयारी करिए, आपके सारे सब्जेक्ट्स हम यहीं तैयार कराते हैं. चलो इस क्वेश्चन को देखें, फोर्स इज गिवन एज, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, फोर्स दे दिया है 10 N, मास दे दिया है 5 kg, फिर से दोनों ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है. फिर पूछ रहा है एक्सीलरेशन, फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सीलरेशन. फोर्स है 10, मास है 5,
डिवाइड कर देंगे, सो योर आंसर इज टू. टू क्या? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा, यूनिट हर बार मैं ध्यान से लगा रहा हूं, आपको भी लगाना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आ गया. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. इस बार क्या निकालना है? फोर्स निकालना है. क्या फाइंड करना है? फोर्स. व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास, तो गिवन क्या है? मास दे दिया है 0.5 kg, एक्सीलरेशन दे दिया है a, दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दोनों ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सीधे फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, और फोर्स का फॉर्मूला है मा, दैट इज मास, ये रहा, इनटू एक्सीलरेशन. सो योर आंसर इज 2.5 न्यूटन. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट. तो फोर्स आ गया 2.5 न्यूटन. मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर आप मेरे साथ लगा रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी. ठीक है, जरूर लगाइए, साथ में लगाइए. इनकेस आता है, आपको लगता है ये तो क्वेश्चन मुझे आ रहा है, तो आप मेरा वीडियो पॉज कर दीजिए. हाँ, पॉज कर दो वीडियो, और पहले तुम लगा लो और फिर मेरे आंसर से वेरीफाई कर लो. ठीक है, फिर टैली कर लो. और अगर नहीं आता है तो साथ में लगाओ, हम और आप मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. चलो यहां पर देखें, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. अगेन फोर्स दे दिया आपको 10 न्यूटन. बॉडी का मास दे दिया 2 किलोग्राम. टाइमिंग दे दिया फॉर 3 सेकंड. नई चीज क्या है इस बार? टाइम दे दिया. इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब यू है इसका 0. कैसे मालूम चला? इनिशियली एट रेस्ट लिखा है ना, बॉडी जब रेस्ट पे है तो क्या हो गया? यू 0. और अगर बॉडी मोशन में आने वाली है, रेस्ट के बाद फोर्स लगने पे मोशन में आने वाली है, तो वी तो कुछ होगा. हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा है? द वी अक्वायर्ड. इसको क्या पूछ रहा है? फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है. आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके पास क्या है? फोर्स. आप सबसे पहले फोर्स का ही फॉर्मूला लगाइए. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. तो फोर्स एट 10, मास एट 2, मिसिंग है एक्सीलरेशन. आ गया एक्सीलरेशन, कितना आ गया एक्सीलरेशन? 5 आ गया. 10 / 2, 5. अब एक्सीलरेशन है तो आपको v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था, v इज इक्वल टू u प्लस at. याद है? अरे ये फॉर्मूला एक्सीलरेशन से ही डिराइव किया गया है. जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस u अपॉन t, उसी से डिराइव किया गया है. तो u हमारे पास 0 है, लगा दीजिए. a हमने अभी जस्ट निकाला, कितना है? 5. और t टाइम है 3. सो आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड. क्लियर? तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? चेंज इन मोमेंटम. क्या पूछा है? डेल्टा पी. इसको कहते हैं चेंज इन मोमेंटम सिंबल में, और फॉर्मूले में क्या बोलेंगे? दैट इज डेल्टा. क्या लिखेंगे? एम डेल्टा वी. हाँ, ये भी फॉर्मूला है, या ऐसे लिख सकते हैं एम और ब्रैकेट में वी माइनस यू. ठीक है, दोनों मतलब सेम है. डेल्टा वी मतलब चेंज इन मास. क्या डेल्टा क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई, मास कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है. ठीक है, मास वेरिएबल क्वांटिटी नहीं होती है. सो अब आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे. मास हमारे पास गिवन है 2 kg, तो मास लगा देंगे 2 kg. फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है? 15 - 0. इनिशियल वेलोसिटी 0. सो 15 - 0 करेंगे तो 15 वापस आ जाएगा. सो 2 × 15, दैट इज 30. 30 क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड. क्लियर है? आपका पास आ गया चेंज इन मोमेंटम. तो मतलब आ रहा है ना, मैं आपको बोल्ड बनाना चाहता हूं, मैं आपको तैयार करना चाहता हूं, आपको सुपरस्टार बनाने आया हूं, और इसीलिए मैं चाहता हूं आपकी मदद करना. इसीलिए आपके इसलिए ढेर सारे कंटेंट्स, आपके सारे मेजर सब्जेक्ट से कंटेंट हम बना रहे हैं, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री. किसी भी तरह का कोई भी चार्ज हम नहीं लेते हैं. ना नोट्स का कोई चार्ज है, ना किसी लेसन वीडियो का, ना एमसीक्यू सेशंस के, और ना किसी और चीज के. और ये सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं एब्सोल्युटली फ्री. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर हमारा जो वेबसाइट है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज उसको भी चेक कर लीजिएगा. इससे आपके नोट्स का प्रॉब्लम हल हो जाएगा. चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन 7 हम लोग देख रहे हैं, और इसमें क्या क्या गिवन है आइए पहले लिखते हैं. अ फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकंड्स. टाइम दे दिया, कितना टाइम दिया? 10 सेकंड्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी. इसका मतलब क्या है? स्टेशनरी मतलब बॉडी रुकी हुई है. तो इसका मतलब है यू क्या होगा? 0. यू इनिशियल स्पीड 0 होगी. बॉडी का मास दे दिया है, मास कितना दे दिया है? 100 kg. और क्या गिवन है? व्हिच आफ्टर दिस फोर्स सीजेस टू एक्ट. ठीक है, द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. सो आपको एस मतलब डिस्टेंस दे दिया 100 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकंड. ठीक है, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेलोसिटी अक्वायर्ड, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे. क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी. और क्या पूछ रहा है? एक्सीलरेशन ए पूछ रहा है, और आखिरी में पूछ रहा है फोर्स. 3 चीजें पूछ रहा है. आइए देखते हैं. सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है? एस. एस क्या है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगा दीजिए. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. इससे क्या आएगा? आओ देखते हैं, इसमें जो वैल्यू मिसिंग होगी आ जाएगी. एस आपके पास गिवन है 100, लिख दिया. यू 0, टी 10. ये रहा टाइम 10. क्लियर? और यहां पर आगे प्लस हाफ इंटू ए, मिसिंग है ए, नहीं मालूम है हमें, एक्सीलरेशन नहीं मालूम है, और टी 10. सो 10 का स्क्वायर आपके पास आ गया 10 0 0 यहां पर.
सो 100 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 10, क्योंकि ये जीरो बन जाएगा है ना, तो जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, जीरो प्लस हाफ, तो हाफ का 2 क्रॉस होकर ऊपर चला गया ठीक, और 10 अपॉन 10 नीचे आ गया, क्लियर है यहां तक। और आपके पास आपका आंसर आ गया एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। पहले एक्सीलरेशन निकल गया, अब एक्सीलरेशन आ गया तो आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, u आपके पास कितना है 0, a आपने निकाला 2 और t है 10, तो 0 प्लस 20 मतलब 20, 2 10 है 20, सो आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान दिया आपने, यूनिट लिखना जरूरी है, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब एक और पार्ट है इसके अंदर, आपसे पूछा है फोर्स, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स के लिए फॉर्मूला है मास, अरे मास इनटू एक्सीलरेशन, सो मास आपके पास है 100, एक्सीलरेशन आपके पास है 2, सो दिस गिव्स यू 200 न्यूटन। क्या कहते हैं, तुम्हारा आंसर यही आ रहा है, अ बिग लाइक फॉर यू ठीक है। आपको फिजिक्स देखना नहीं है, साथ में लगाना है मेरे ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 7, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8, ओहो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सीलरेशन बताता है, क्या चीज, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो साबित करते हैं, ये देखिए वेलोसिटी है 20 ठीक, और टाइम है 5 इस पॉइंट पर, क्लियर, ये है स्लोप का पॉइंट। तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t ठीक है, एक्सीलरेशन निकालना है, आपके पास वेलोसिटी है 20, ये रही, टाइम है 5। अब यहां देखिए, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0, तो 20 माइनस 0, यहां से यहां तक का स्लोप ले लिया मैंने पूरा ठीक, और अपॉन टाइम, टाइम कितना है 5 से लेके 0 तक, मतलब टाइम है 5, तो 20 अपॉन 5 दैट मींस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास एक्सीलरेशन आ गया, क्लियर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द फोर्स, और गिवन क्या है आपको, मास। बस गड़बड़ यह है कि मास को एसआई यूनिट में नहीं दिया है, ग्राम में दिया है, हमें किलोग्राम में चेंज करना है, कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 केजी हो जाएगा मास, और फोर्स का फॉर्मूला है एम ए, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज 0.1 इंटू 4, तो हो जाएगा 0.4 न्यूटन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फोर्स सीजेस, नहीं, अ फोर्स कॉजेज एन एक्सीलरेशन, आपको एक्सीलरेशन दे दिया, क्या दे दिया, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ, मास भी दे दिया, कितना मास दे दिया 500 ग्राम, व्हाट एक्सीलरेशन, दोबारा क्या पूछ रहा है, एक्सीलरेशन पूछ रहा है विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स, सेम फोर्स मतलब यहां का फोर्स जो होगा वो इसके फोर्स के बराबर होगा, दैट इज एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, इसका फोर्स और इसका फोर्स क्या होगा, बराबर लिखा था, सेम फोर्स ठीक है, और क्या कह रहा है, और यहां पर मास कितना दे रहा है, यहां पर मास है 5 केजी। चलिए पहले इसका फोर्स निकालें, तभी तो इसका फोर्स आएगा, जब पहले वाले का फोर्स ही सेकंड वाले में है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो लगता है एम ए, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन, हमारा मास ही गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, किलोग्राम में नहीं है, तो आप डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.5 केजी आ जाएगा। अब आप पुट कर दीजिए, मास आ गया और एक्सीलरेशन गिवन है, आपके पास आंसर आ गया 5 न्यूटन, ये आपके पास आ गया इसका फोर्स, क्लियर है। तो यही फोर्स यहां भी लगा देंगे 5 न्यूटन, अब यहां पे क्या निकालना है, एक्सीलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स आपने निकाला 5 न्यूटन, मास है 5 केजी, सो योर एक्सीलरेशन इज 1, कैसे 1, अरे 5 डिवाइडेड बाय 5 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है, वेरी क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, फिर गड़बड़ दिया है मास, हाँ मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है ठीक है, तो क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो 0.15 केजी आ जाएगा ठीक है। इज मूविंग एट, तो ये बॉडी क्या कर रही है, मोशन में है, तो चलती हुई बॉडी है, इसके लिए इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड है इसकी 25 मीटर पर सेकंड, इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो बॉडी चलती हुई है और बाद में आके क्या हो रही है, रुक रही है, इसका मतलब है इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, और कितना टाइम लग रहा है जीरो करने में, टाइम लग रहा है 0.03 सेकंड। पूछा क्या है, एवरेज फोर्स, सिंपली फोर्स बोल देना, एवरेज फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन, यहां पर एक्सीलरेशन आपको निकालना पड़ेगा, कैसे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, आपके पास वी है जीरो, U आपने देखा माइनस 25 हो जाएगा अपॉन टाइम 0.03, आप देखेंगे कि आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है, सर क्यों,
अरे रिटार्डेशन है ये, जब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी या तो कम होती है या जीरो होती है, इसका मतलब है बॉडी रिटार्ड कर रही है। रिटार्डेशन मतलब होता है बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट। क्लियर? तो अब हमारे केस में आ जाएगा कितना, -25/0.03। आप डेसिमल रिमूव करके 2500/3 कर सकते हैं, माइनस साइन हटा दीजिएगा क्योंकि नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन है। ठीक है, और अब आपके पास फॉर्मूला आ गया, फोर्स इज इक्वल टू मास, जो कि आपका ऑलरेडी आ चुका है, गिरा मास 0.15, यानी क्या था मास, इनटू एक्सीलरेशन जो कि था 2500/3। गिरा मास आपका, एक्सीलरेशन आपका 2500/3। इसे डिवाइड कर देंगे इसको कैसे, इसके दो डेसिमल रिमूव कर देंगे, 3 1 जा 3 5 जा 0 एंड 0, सो ये 0 0 रिमूव, 125 न्यूटन, ये है आपका आंसर। सो फोर्स इज 125 न्यूटन। क्लियर? आगे बढ़ जाए, तुमने भी निकाल लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था रुकना थमना नहीं है मेरे राइजिंग स्टार्स। आगे, अ फोर्स एक्ट फॉर टाइम, टाइम दे दिया आपको, कितना टाइम दिया हुआ है, 0.1 सेकेंड। बॉडी का मास कितना दिया हुआ है, 2 किलोग्राम। इनिशियली एट रेस्ट, क्लियर कट लिखा है, इनिशियली एट रेस्ट मतलब बॉडी का इनिशियल स्पीड जीरो होगा। और द फोर्स इज देन विथड्रॉन, फिर फोर्स लगाना बंद कर दिया, पहले फोर्स लगा रहे थे बॉडी पर जब बॉडी रेस्ट पे थी, फिर बॉडी को क्या कर दिया, फोर्स विथड्रॉन कर दिया, द बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी। अब यहां पे बॉडी वेलोसिटी कितनी अचीव कर चुकी है, 2 मीटर पर सेकेंड, ये फाइनल वेलोसिटी है। पूछा क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगेन आपको फोर्स पूछा है, पहले आप क्या करिए, एक्सीलरेशन निकालिए। वो कैसे निकालेंगे, वी माइनस यू अपॉन टी, वी है 2 - u 0 अपॉन टाइम 0.1 सेकेंड, तो आपके पास आ जाएगा 20, क्योंकि पॉइंट रिमूव करेंगे ऊपर 10 आ जाएगा, तो 2 × 10 = 20, सो 20 m/s² क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है मा, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन, मास एट 2 kg, ये रहा, और एक्सीलरेशन आपने निकाला 20, सो 2 × 20 = 40 न्यूटन। क्लियर है? हाँ, बात कर रहे हो अब, देखा मैंने कहा था जब धीरे धीरे आप लगाने लगते हो तो आपकी खुद की स्पीड बढ़ने लगती है, क्योंकि बार 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 आप क्या करते हैं, उस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है। सच कहो, न्यूमेरिकल लगा करके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कब, जब न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं, जब आपके आंसर्स आ रहे होते हैं, और जब नहीं आ रहे होते हैं मन टूट जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं पॉज करो। हाँ, सारे देखो मत, पॉज करो और पहले लगाने की कोशिश करो, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो जो आपकी कंफ्यूजन है उसको देख करके दूर करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 12 आ रहा है आपके पास। अ बॉडी ऑफ मास 500, तो मास दे दिया स्क्रीन पर फिर से, अ बॉडी ऑफ मास, मास दे दिया आपके पास, क्या दिया हुआ मास 500 ग्राम, पहले इसको किलोग्राम में चेंज करिए एसआई यूनिट में, कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, 0.5 आ जाएगा। इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब है बॉडी रेस्ट पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स, ठीक है, मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ये 4 मीटर है, यहाँ पे इन लिखा है, ठीक है, ये इन अलग है, वो 4m 4 मीटर है, सो डिस्टेंस इस बार दे दिया 4 मीटर, टाइम दे दिया इस बार 2 सेकंड। देखिए ध्यान से, इस बार कंफ्यूज करने के लिए वो 4 min लग रहा है, पर वो 4 m/s है। आपको निकालना क्या है इससे, आपको निकालना है इससे फोर्स, और फोर्स के लिए चाहिए मास इनटू एक्सीलरेशन। चलिए, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस है 4, यू है 0, टाइम है 2, प्लस हाफ इंटू ए, अननोन है ए, और टी अभी बताया 2 सेकेंड्स, सो आपके पास क्या आ गया, 2 0 0 हो जाएगा यहां पर, सो 4 divided by 2, सो एक्सेलरेशन इज 2 m/s² आपकी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई 2 m/s², आपको निकालना क्या है, फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, आपके पास मास है 0.5 kg और एक्सेलरेशन है 2, सो 2 × 0.5 आ जाएगा 1 न्यूटन। देखिए मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा आपको केयरफुल होकर करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इस बार हम एक एक्सरसाइज आपकी पूरी फिनिश कर रहे हैं, हाँ ये वीडियो 2 पार्ट में होगा, अभी फर्स्ट हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स आपके इस एक्सरसाइज के हर एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और आपसे भी कहूंगा कोई न्यूमेरिकल मिस आउट मत करिए, इवन एग्जांपल्स भी लगा डाला करिए। सही कह रहा हूं, जो एग्जांपल्स दिए होते हैं उसको भी कर डाला करो। अ बॉडी ऑफ मास 480, मास दे दिया 480 kg, ठीक है, मूविंग एट अ स्पीड, इस बार स्पीड गड़बड़ दे दी, मूविंग चलती हुई बॉडी है, स्पीड क्या दे दी, किलोमीटर पर आवर में दे दी, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, सर 5/18 से क्यों, अरे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 18 1 जा 18 3 जा 54, सो आपके पास स्पीड आ गई 15 m/s, ठीक है, इसीलिए किया था इसको मल्टीप्लाई। आगे बढ़े,
और इज स्टॉप्ड, इसका मतलब वी क्या हो जाने वाला है, जीरो। और कितने टाइम में, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। आपके पास यू है, वी है, टी है, तो आप ए निकाल सकते हैं। कैसे, वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव में होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज्यादा है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है इसीलिए। और माइनस में आ गया तो रिटार्डेशन है, कोई बात नहीं। फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। मास आपके पास आ चुका है ऑलरेडी 480 किलोग्राम, एक्सीलरेशन निकाला आपने 1.5, तो 480 इनटू 1.5 मल्टीप्लाई करता हूं, 15 जीरो जा 0, 15 8 जा 120 का 0 बाकी 12, 15 4 जा 60, 60 और 12 72, सो 720 न्यूटन, ठीक है, यह है आपका आंसर। हां मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर तुम भी लगा रहे होगे तो तुम्हारा भी आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है आंसर ना। चलो अ बिग लाइक फॉर दोज हु आर ट्राइंग एंड आई एम ऑलवेज श्योर कि व्हेन यू ट्राई ट्राई एंड ट्राई यू ऑलवेज सक्सीड। हां ये मंत्र है, याद कर लो, क्योंकि जो ट्राई करेगा या तो वो सीखेगा और या तो वह लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। गलती आपको सिर्फ सीखने का मौका देती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दे दिया कार की वेलोसिटी, क्या दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, इट इज स्टॉप्ड, लिखा है इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड, टाइम दे दिया 2 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, फोर्स भी दे दिया इस बार, तो फोर्स भी दे दिया, फोर्स कितना दिया 1500 न्यूटन। सबसे पहले आप देखिए एक्सीलरेशन आप निकाल सकते हैं कैसे, v माइनस यू अपॉन टी, आपके पास v है 0 माइनस 30 अपॉन 2, सो माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक्सीलरेशन नेगेटिव में आता है तब उसे कहते हैं रिटार्डेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, ठीक है, आ गया। दूसरा क्या आपसे क्या पूछा है, रिटार्डेशन पूछा है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए सिंबल लगाएंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी माइनस यू, या एम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये रहा ब्रैकेट में लिखेंगे एम, ब्रैकेट में लिखेंगे वी माइनस यू। हमारे केस में मास, ओ मोमेंटम के लिए तो मास चाहिए, मास ही नहीं है, सबसे पहले मास निकालते हैं, ठीक है ना, मोमेंटम के लिए मास चाहिए, तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स के नीचे लिख देंगे फोर्स, मास मिसिंग है और एक्सीलरेशन जो कि नेगेटिव में है, ठीक है, वो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1500 डिवाइडेड बाय 15, सो मास इज 100 केजी, कितना आ गया मास 100 केजी, मास आ गया, अब आप पुट कर दीजिए 100 और फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30, सो आपके पास आ जाएगा माइनस 3000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा माइनस इंडिकेट्स कि द मोमेंटम इज इन दी, जो चेंज इन मोमेंटम है वो अपोजिट टू दी फोर्स है, मतलब फोर्स हम यहां लगा रहे हैं, बॉडी का मोमेंटम अपोजिट दिशा में, ठीक है, ये बताता है दिस माइनस साइन इंडिकेट दिस, क्लियर। सो आपने तीनों चीज निकाल दिया, आइए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, फिर दिया हुआ है गड़बड़, क्या गड़बड़ दिया हुआ है, मास जो दिया हुआ है वो ऐसा यूनिट में नहीं दिया हुआ है, सो मास हो जाएगा 0.05 केजी। अरे भाई कैसे आया, अपॉन 1000 करो, हाँ इसको अपॉन 1000 करो क्योंकि आपको किलोग्राम में चेंज करना है, याद है ना, स्मॉल यूनिट को बड़ा बनाने के लिए SDD। हाँ अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप ये नहीं भूले होंगे, ठीक है, डिवाइड किया तो 3 डेसिमल है ना, 1 2 3, इसीलिए 1 2 और 3 और यहां, इसीलिए आया 0.05 केजी, मास आ गया विद द इनिशियल वेलोसिटी, साफ साफ लिखा है यू उसका कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, और स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट वी 0 आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस एस, एस गड़बड़ दिया हुआ है, क्यों कैसे मालूम चल गया सर को, देखिए एस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आप इसको मीटर में चेंज करिए, फिर डिवाइड करिए 2 by 100, 100 से क्यों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, चलिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 0.02 मीटर। अब सारे यूनिट्स हो गए आपके पास सही, आइए अब पहला काम करते हैं इनिशियल मोमेंटम, तो पहला पार्ट है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम के लिए m इंटू यू, m मास है मेरे पास 0.05, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, पहला मोमेंटम आ गया, इनिशियल मोमेंटम आ गया। दूसरा क्वेश्चन फाइनल मोमेंटम, दैट इज मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास तुम्हारे पास है पर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, सो आंसर हो जाएगा 0, हाँ भाई फाइनल मोमेंटम 0। फिर थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, रिटार्डेशन,
रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाइए, वो है वी माइनस यू अपॉन टी। वी है 0, यू आपके पास है 100 और टाइम आपको ऑलरेडी गिवन है। कहां टाइम गिवन है इस क्वेश्चन में? तो टाइम नहीं गिवन है। तब आप क्या करिए, अब इधर आ जाइए। अब आप एस का फॉर्मूला लगाइए, एस इज इक्वल टू यू टी, क्या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? पर आपको तो ए भी नहीं है, तो आप ये भी नहीं यूज कर पाएंगे। तब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? देखिए आपके पास दो चीजें मिसिंग है, डिस्टेंस भी है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला और भी है, ध्यान दीजिएगा, उससे आ जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सर आप तो बोल रहे हैं प्लस और यहां लिख रहे हैं माइनस, इसलिए माइनस लिख रहे हैं क्योंकि ये स्पीड घटने वाला क्वेश्चन है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो जब स्पीड घट रही होती है तो रिटार्डेशन होता है। वहां पर जहां पर ए लिखा है वहां प्लस टू ए एस बोला था, या माइनस लिखा है क्योंकि रिटार्डेशन का क्वेश्चन। तो वी कितना है हमारे पास, 0 है, ठीक है, 0 का स्क्वायर। यू क्या है, 100 का स्क्वायर। 2 इंटू ए नहीं मालूम, एस हमें मालूम है, एस है 0.02, ठीक। अब 100 के स्क्वायर को उधर ले आएंगे, सो 100 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 2, ध्यान दीजिएगा साइन साइन कट जाएगी, 2 इंटू 0.02, इससे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं अभी, देखिए यहां से डेसिमल हटाते हैं, 2 जीरो और आगे बढ़ जाएंगे, नीचे आ जाएगा 2 जा 4, सो ये 425 जा, तो आपके पास आ गया 250000, ये है मेरे पास एक्सेलरेशन, ठीक है, ये नेगेटिव में होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन पहले लगा दिया था, ठीक है, रिटार्डेशन का क्वेश्चन था, तो रिटार्डेशन आ गया आपके पास, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पुट कर दें तो आपके पास टाइम की अब जरूरत नहीं है, ठीक है, अब आपको टाइम की जरूरत नहीं है, अब आपको सीधे निकालना है फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास बॉडी में हमने निकाला हुआ है 0.05, एक्सेलरेशन अभी जस्ट निकाला 250000, ठीक है, 55 जाए 25, ठीक है, इंटू 125 हो जाएगा, और 1 2 3 4 1 2 3 4, और 2 बार डेसिमल लगा दो, 2 बार डेसिमल लगा दो, यहां लग जाएगा डेसिमल, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 12,500 न्यूटन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, वेरी क्लियर है, हाँ ध्यान दिया करिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका क्वेश्चन कहीं अटक जाता है, तो अटकने पर कोई प्रॉब्लम मत महसूस किया करिए, ठीक है, आगे फिर कोशिश किया करिए। चलिए अब अ बॉय पुशेस अ बॉल विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल? तो बॉय को बॉल भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब इस न्यूमेरिकल के साथ हम लोग फिनिश कर रहे हैं, आपको देने जा रहे हैं एक होमवर्क, और होमवर्क यह है कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे कमेंट में। हाँ मैं वेट करूंगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टाइप करिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और तब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल, वेट करूंगा आपके न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को टाइप करें। बाय, टेक केयर।